हम नहीं मानते कि ये भोजपुरी सिनेमा हमारे कल्चर को दिखाती है। क्या कि ये लोग सिनेमा में ले दे के सीधे सेक्स से घुसा दिए, यहाँ सेक्स वहाँ सेक्स, एकदम मतलब बेहुदा एकदम बना दिए हमारे सिनेमा को। भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं से पूरब झाट की तरफ से बहुत ज्यादा गंदी तरीके से रोस्ट किया गया है, और मेरे को पता नहीं है कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री फैन जो है वो क्या कैसे रिएक्ट करने वाले, उसको फन के हिसाब से लेने वाले, मजे के हिसाब से तो फिर लेने वाले या फिर उसका दिखाने वाले, मेरे को पता नहीं है। बट मेरे को जितना तक फील हुआ कि भाई पूरब झाट ने बहुत ज्यादा गलत किया इस चीज को। खाई नहीं खाइए, खाई नहीं खाइए, लाइए लाइए, मैटर दीजिए, बस बस हो गया, खूब खुश रहिए, खूब। अपन बाप के मूत पीले हो तो लड़ इस मर्द से। एक तो किस दो तो इस पे पूरब झाट ने भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरे बिहार इंडस्ट्री का बात नहीं है, बिहार स्टेट का इसने रोस्ट कर डाला है। इसने जो भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना गंदे तरीके से अपने चैनल पर दिखाए थे, आप लोग जो अगर आप लोग महुआ जी के फैन हो या फिर आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म देखते हो और उसको कहीं ना कहीं पसंद करते हो, तो आप लोग मेरा वीडियो देख के आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई पूरब झा ने कहां कहां क्या क्या बोला है, डायरेक्टली कहां कहां इसने भोजपुरी इंडस्ट्री को रोस्ट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, आई होप कि बढ़िया होंगे। तो भाई फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। तो भाई आज के वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं ये पूरब झाट जो बोलते हैं एआई के नाम पे, जो भाई दूसरे के कंटेंट को कॉपी करके चुराने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है। अच्छा, कि भाई अभी जो भी बंदा उसको दूसरे क्रिएटर का कंटेंट चुराना हो तो भाई पता है किस चीज का नाम देते हैं? एआई का नाम दे देते हैं। अरे हाँ भाई हाँ, भाई पूरब झाट भी अभी इसी चीज के वजह से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। जैसे कि हाल ही में फिलहाल इन्होंने सारे यूट्यूबर्स का कंटेंट चुराने के बाद अभी फिलहाल इसका वीडियो जो कर लिया है, भोजपुरी इंडस्ट्री को रोस्ट कर दिया इसने। पूरब झाट ने भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरे बिहार का, सिर्फ इंडस्ट्री का बात नहीं है, पूरा बिहार स्टेट का इसने रोस्ट कर डाला है। कुछ समझे दया? अगर आप लोगों को पता नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में डाला हुआ है, जो कि ये बनाया महुआ जी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री का आज ऊंचाई जो बुलंद आसमान को छूने जा रहा है, इसके पीछे महुआ जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उस चीज में। बट चीज का कंटेंट चुराते हुए पूरब झाट ने एआई का नाम दिया उस चीज को। क्या कर रहे हैं यार तू? मैं आप लोगों को बता दूं, इसने जो भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदे तरीके से अपने चैनल पर दिखाए थे, आप लोग जो अगर महुआ जी के फैन हो या फिर आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म देखते हो और उसको कहीं ना कहीं पसंद करते हो, तो आप लोग मेरा वीडियो देख आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई पूरब झा ने कहां कहां क्या क्या बोला है, इनडायरेक्टली कहां कहां इसने भोजपुरी इंडस्ट्री को रोस्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जाओ जाओ सब लड़ चटो जाओ, हम भी जाटेंगे, तुमने हम भी जाटेंगे। अरे लाल का चूरा रे, अरे महुआ जी जरदा, खाई नहीं खाइए, लाइए लाइए, मैटर दीजिए, बस बस हो गया, खूब खुश रहिए, खूब। महुआ जी हमको छुए, महुआ जी हमको 20,000 का सूट छू के गया। महुआ जब आए वहाँ पे, महुआ जी के जब एक्टिंग करते हुए पूरब झाट वहाँ पे जब पहुंचे, तब वहाँ पे दिखाया डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है सारे लुंगी में उसके वहाँ पे पेड़ छूने के लिए चले गए पूरब झाट की तरफ। और वहाँ पे आपको पता है सबसे बड़ा यहाँ पे, हाँ मेरे को जितना तक पता है कि हाँ बिहार के लोग बहुत ज्यादा तंबाकू यूज करते हैं। इसने अपने चैनल पे वही दिखाया कि भाई बिहार का लोग जो तंबाकू खाते हैं उसके बारे में दिखाया कि तंबाकू खाएंगे महुआ जी, और महुआ भी जी तंबाकू खा रहे हैं। भाई तंबाकू का तो पूरा प्रमोशन किया जा रहा है इसकी तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे बहुत यूट्यूबर होते हैं जो बोलते हैं कि भाई नहीं, हम लोग इस चीज को हम लोग प्रमोट नहीं करते, जो हम लोग नेगेटिव चीज होते हैं जैसे कि तंबाकू लोग, वो चीज हम लोग कभी प्रमोट नहीं करते। यूट्यूबर लोग का सारा मानना ये होता है, बट ये अपने चैनल पे एआई के नाम पे सब कुछ प्रमोट कर रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी अनसेंड फैलाया जा रहा है। ये फंस गया सी है भाई, ये तो कुछ नहीं है। आप लोग बताता हूँ कि आगे और क्या क्या इसने क्या क्या किया। जब हीरोइन जब इसे मिलने के लिए आता तब इसने क्या दिखाया वो आप लोग देख लीजिए। दूसरे तो नहीं बताया हीरोइन कहाँ है? हीरोइन एक मिनट बेटा, बाबू सिंह हीरोइन, हीरोइन हीरोइन रही। नमस्ते सर, इसको मालूम नहीं है, नया नया आई है, कोई बात नहीं। क्यों हेमा मालिनी, तुमको 10,000 रुपया इनको नमस्ते बोलने का दिए हैं? फिर से What a handsome boy. वहाँ पे जैसे हीरोइन आता है वहाँ फिल्म शूटिंग करने के दौरान, तो महुआ जी को कैसे हीरोइन गला मिलता है इसमें आप लोग दिखा सकते हैं कि मतलब पूरी इंडस्ट्री में जो हीरोइन काम करते हैं उसके लिए कितना इज्जत है। समझ रहे हो आप? ये मैं नहीं बता रहा, ये पूरब झाट के वीडियो में खुद पूरब झाट बता रहा है कि भाई उसके वीडियो में मतलब जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन होते हैं जो काम करते हैं उसको किस तरीके से देखा जाता है। मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसको भाई बिल्कुल रोस्ट की तरह है, फिर हल्के में मत लिया करो भाई, क्योंकि भाई इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ हुआ। निरहुआ खेसड़ी लाल यादव भोसड़ कोई भी हो, अपमानजनक बातें कर रहा है ये।
असली है ये लोडा। इसमें पूरब झाट को भाई इसने रोस्ट किया नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री का, बाकी जो नीचा है वो दिखाने का कोशिश किया है भोजपुरी इंडस्ट्री को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पूरब झाट जो कि अपने आप को एआई समझता है, एक्चुअली एआई यूज नहीं करता, वो कंटेंट चुराता है दूसरे की तरफ से। उसके पास कोई कंटेंट बचा नहीं है, तो भाई भोजपुरी इंडस्ट्री का कंटेंट चुरा के भोजपुरी इंडस्ट्री का जो व्यूअर्स है उसको अपने आकर्षित मतलब अपने तरफ खींचने का कोशिश करते हुए पूरब झाट बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बट मैं बताता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कही है उसमें कहीं ना कहीं भोजपुरी चैनल में जो भोजपुरी चैनल का जो फैन है उनको कहीं ना कहीं तरफ से बुरा लगने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या और कुछ दिखाया गया है। इसमें लाइट कैमरा चला सन एक्शन चला सन। काहो रिया सबको दिया हमको नहीं दिया है। बचाओ आज कैसे बचोगी तुम है? अपन बाप के मूत पीले हो तो लड़ इस मर्द से। अच्छा इधर आ, आवा इधर, आवा। अब तोहरा के छोड़ अपना। एक तो किस दो तो इस पे तारा माई किच। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? डायलॉग देखने को मिला यहाँ पे सब कुछ चोरी का है। जितने भी हर कुछ डायलॉग देखने को मिला ना सब कुछ मीम का चोरी किया हुआ डायलॉग है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि भाई रिया वाला डायलॉग जो था वो खेजड़े लाल यादव अपने स्टेज पे पहले दे चुका है, और जो उसने गाली देते हुए किस करते हुए बम को फेंका वो वाला गाली आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा सेकंड हैंड महात्मा गांधी था उसका डायलॉग चोरी करते हुए इसने चैनल पे डाला हुआ है। ये तो कुछ नहीं है भाई। अब एक जो सबसे खतरनाक फेमस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो तहलका मचा दिया था कुछ महीनों पहले पवन सिंह को आप लोग जानते होंगे, उसका डायलॉग भी बहुत खतरनाक डायलॉग चोरी किया उसका चैनल पे डाला हुआ इसने। नाम है तुम्हारा? रिया जोगी। आए, रिया जोगी हमको कब दोगी? ये देखो कोई गिट्टी मारा है हमको। ये इधर इतने चाहने वाले आए हैं, इतने सारे लाड़ चाटने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे? कौन है? कौन है रे? कौन है? तुम में पावर है तो सारा बाहर आओ, सामने आओ। साहब आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। तो मैं अब रियल क्लिप दिखाता हूँ जो कि रियल क्लिप पवन सिंह ने अपने स्टेज पे कब कहा था और क्यों कहा था, मैं आप लोग वो भी क्लिप दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए कितना सिमिलर है मैच। ओके ये कौन महानुभाव है बाबू? आंखों की संख्या में हमारे भाई इतने प्यार करने वाले आए हैं। ये कौन दुश्मन है जो मुझे ठेला से मारा है? इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे ये ठेला मारा कौन है। पवन सिंह को जब स्टेज पे शो किया जा रहा था तब पत्थर से मारा गया था उनको, तो उसी दौरान इसने ये डायलॉग मारा था कि कौन है हमारे वो जो इतने चाहने वाला में से कौन है वो दुश्मन जो उसको मारने के लिए आया है। ओके तो ये वाला डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पे जब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। उसी का व्यू लेने के लिए भाई पूरब झाट ने एआई का नाम देते हुए कंटेंट चोरी कर लिया उस पवन सिंह का भी। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं से पूरब झाट की तरफ से बहुत ज्यादा गंदे तरीके से रोस्ट किया गया है, और मेरे को पता नहीं है कि भाई अभी यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री के फैन जो है वो क्या कैसे रिएक्ट करने वाले, उसको वो फन के हिसाब से लेने वाले, मजे के हिसाब से तोड़ के लेने वाले, या फिर वो गुस्सा दिखाने वाले, मेरे को पता नहीं है। बट मेरे को जितना तक फील हुआ कि भाई पूरब झाट ने बहुत ज्यादा गलत किया इस चीज़ को। पूरब झाट ने अपने वीडियो पे एक और बात बोला है जो कि एंडिंग के तौर पे उसने एक सच्चाई बोला है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। तो क्या बोला आप लोग एक बार वो भी क्लिप दिखा दीजिए, उसके बाद एक बार मैं आप लोगों को एक वर्ड डिस्क्राइब करूंगा आप लोग पूरब झाट के लिए क्या बोलना चाहेंगे। आप लोग एक बार पहले ये क्लिप देख लीजिए। आपको सही नॉलेज देना हमारा फर्ज बनता है, ये भोजपुरी कल्चर के बारे में सही बात बताना हमारा फर्ज बनता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। हम बताते हैं आपको, हम नहीं मानते कि ये भोजपुरी सिनेमा हमारे कल्चर को दिखाती है। एक ही चीज थी बेचने के लिए जो कि इस धरती पर इस देश पर यूं ही बिक जाती है, सेक्स। अब क्या किए लोग सिनेमा में ले दे के सीधे सेक्स से घुसा दिए, यहाँ सेक्स वहां सेक्स, एकदम मतलब बेहुदा एकदम बना दिए हमारे सिनेमा को। और तब क्या इससे खूब माल बनना शुरू हो गया, धा के इंडस्ट्री एकदम पैसा छापना शुरू। और
देखिए हमने तो यही सोचा था कि थोड़े टाइम का बात है, सब चेंज हो जाएगा, वापस से हम लोग का सिनेमा एकदम बढ़िया लेवल पे जाएगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। सरकार वहाँ से भोजपुरी सिनेमा ऐसा मोड़ लिया कि उसका इमेज और गिरता ही चला गया, ले दे के सीधे गंद भरना शुरू। पर एक बात है, कहाँ साला हम लोग एक टाइम पर अपने संस्कृति पर, अपने मिट्टी पर गाना वाना बनाया करते थे, गाया करते थे, और कहाँ आज लोग ये चोलिया हुक इन्हीं सब में फंस के रह गए। बस सुनाएगा क्या जो लास्ट बात है, पूरब झाट ने बोला है भाई, इस बात में कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ कि भाई हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आजकल ये वल्गैरिटी, मतलब बहुत गंदे की चीज़ दिखाया जाता है। मेरे को पता नहीं है इस चीज़ की वजह से आगे जो आने वाली जनरेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मेरे को इतना पता नहीं है। बट पूरब झाट का जो लास्ट वाला जो एंडिंग का बात पूरब झाट ने भाई बोली है, वो कहीं ना कहीं से मतलब मैं भी एग्री करता हूँ उस चीज़ को कि हाँ भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री ज़्यादातर उसी के लिए जाना जाता है। जैसे कि अभी मैं किसी को मैं पूछूंगा यहाँ पे कि भाई भोजपुरी मूवी देखते हो, तो बोलते वो हंसने लग जाएगा, बोलेगा भाई पता है भाई भोजपुरी मूवी में क्या दिखाया जाता है। तो भाई कहीं ना कहीं से भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम इन्हीं लोगों ने हीरो हीरोइन ने खराब कर रखा है, क्योंकि भाई इन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री के गाना को ऐसा कर दिया है और इसका जो मूवी का सीन वगैरह इतना कुछ बना दिया है कि मतलब जो फैमिली के साथ बैठ के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है देखना। तो मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से एग्री करता हूँ उसके साथ ही, पूरब झाट के साथ ही। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं आज के लिए, इतना था रिएक्ट करने वाला था। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय और टेक केयर नमस्ते। तो मेरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए वेट करो, टाटा गुड बाय टेक केयर लव यू।